हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन के फैट लो सीरीज के एपिसोड नंबर 5 पे, जहां पे आज हम उस चीज की बात करेंगे जिसके लिए बहुत सारे लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं, ईगर रहते हैं कि हम कब सप्लीमेंट के ऊपर बात करेंगे, हम कब फैट बर्नर के ऊपर बात करेंगे। फैट बर्नर एक ऐसी चीज है जिसको लेने से हम वो एक अलग एज हमारी बॉडी को मिलेगा, या तो फिर हम एक एक्सटेंसिव फैट लॉस कर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे फैट बर्नर्स पे, सप्लीमेंट्स पे। उसको आगे ले जाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एपिसोड नंबर 2-3 पे लेके जाता हूँ, जहाँ हमने ये देखा कि कैलोरी डेफिसिट क्या होती है, फैट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट कितनी जरूरी है, हमारी जर्नी वो फैट लॉस की है, वेट लॉस की नहीं है, फैट लॉस के लिए कैलोरी कैलकुलेशन कैसे करना है वो हमने सीखा, कैलोरी कैलकुलेट करने के बाद मैक्रोस कैलकुलेट कैसे करने हैं, आपका जो पूरे दिन का कैलोरीज निकला उसको प्रोटीन में, कार्ब्स में और लिपिड में कैसे डिवाइड करना है, और हमारा जो फोकस मेन रहेगा वो 3 चीज पे रहेगा, आपका प्रोटीन इंटेक पे रहेगा, आपका जो खाना है वो 80% होल फूड रहना चाहिए जो मेजर चीज है वो 2, बाकी आप कार्ब्स है और लिपिड के ऊपर आप अगर इतना ध्यान नहीं देंगे तो भी अगर आपका प्रोटीन का इंटेक सही है तो वो रहेगा, क्योंकि प्रोटीन जो हमारा 3rd चीज था कि प्रोटीन मसल रिटेन करता है, मसल के रिटेंशन के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है और कैलोरी डेफिसिट रहना है। तो आज हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट की, सप्लीमेंट में भी फैट बर्नर की, सप्लीमेंट में और बहुत सारे सप्लीमेंट है जिसके ऊपर हम ओवर द पीरियड हम बात करेंगे आगे के एपिसोड में, बट जनरली जो आज ये टॉपिक है वो डेडिकेटेड है एपिसोड फैट बर्नर्स के ऊपर। तो हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं फ्रेंड्स कि सप्लीमेंट्स की जरूरत हमारी बॉडी को कितनी है और क्यों है। उसमें भी अगर फैट बर्नर की बात करें तो फैट बर्नर की जरूरत हमारी बॉडी को क्यों है, सही में उसकी जरूरत है, अगर है तो फैट बर्नर कैसे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। तो उसके ऊपर आने के पहले मैं एपिसोड 1 की अगर बात करूं तो हमने आपको ये बताया था कि जो डॉक्टर एरिक हेम्स है उनका एक पिरामिड है, ये पिरामिड में उन्होंने बहुत फोकस किया हुआ है कि जो हमारा बेस रहता है, जो स्ट्रांग रहता है, जिसके ऊपर से हम कैलोरी डेफिसिट पे जाते हैं, वो रहता है हमारा कैलोरीज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्रोस की, जैसे प्रोटीन, कार्ब्स, लिपिड। उसके बाद जिसके ऊपर हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है वो है विटामिंस, मिनरल्स, द इनटेक ऑफ वाटर, हाइड्रेशन कितना जरूरी है, और उसके बाद और सबसे लास्ट में जिसको हम कहते हैं चेरी ऑन द टॉप, वो आता है सप्लीमेंट्स। अब सप्लीमेंट्स की जरूरत हमारी बॉडी को क्यों पड़ती है, आपने पूरे दिन में एक प्लान डिसाइड किया कि आपको इतनी कैलोरीज लेनी है जिसमें से प्रोटीन, कार्ब्स और लिपिड इतना लेना है, विटामिन्स और मिनरल्स लेने हैं। अगर हमारा कैलकुलेटेड जो हमारा कैलोरीज है अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमको विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं या प्रोटीन है वो नहीं मिल पा रहा है, जैसे समझो कि आपको दिन में 120 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, आप वेजिटेरियन हैं, आपको पूरे दिन में 100 ग्राम आपको प्रोटीन मिला, या तो अगर आप वेजिटेरियन हैं B12 का अगर आपके पास स्कोप डेयरी के सिवाय कुछ और नहीं है तो आपको पता है कि आप थोड़ा बहुत लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे आपकी डेयरी कैलोरी रिकमेंडेशन को पूरा करने के लिए। उस केस में ये जो सप्लीमेंट्स है ना वो काम आते हैं। सप्लीमेंट्स का काम सिर्फ उतना ही है जितना हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद जितना हम खाने के ऊपर गार्निशिंग करते हैं, हमने खाना अच्छा बना लिया, खाना बनाने के बाद हमने दाल के ऊपर छौंका लगा दिया या तो सब्जी के ऊपर हमने गार्निश कर दिया, धनिया डाल दिया, अगर हम खाना खाने जा रहे हैं कहीं तो खाना खाने के बाद जो थोड़ा बहुत हमको अगर आप समझ लीजिए कि बेवरेजेस की जरूरत होती है, जितना हम खाना खाने के बाद थोड़ा सा अमाउंट हम आइसक्रीम लेते हैं कि चलो हमारा एपेटाइट हो गया है, नाउ लेट्स टेक समथिंग आउट ऑफ इट, उस केस में सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। सप्लीमेंट की जरूरत सिर्फ उतनी है जितनी आप डेली रिकमेंडेशन आपके खाने में से, आपकी होल फूड की जर्नी है, जैसे मैंने कहा 80% होल फूड आपको खाना है, उसमें से नहीं ले पा रहे। देखिए ये जो जर्नी है ना, जो हम बोलते हैं फैट बर्नर की, फैट बर्न करने के लिए फैट बर्नर की जरूरत नहीं है, उसके अलावा जो नेचुरल चीज है उसके ऊपर हम बात करते हैं, और वो नेचुरल चीज आती है आपकी कैलोरी डेफिशिएंट कहां से होती है। एक होता है आपका पोर्शन कंट्रोल में से, मतलब जितना आप, जैसे मैंने बताया आप खाना खाते थे, अब 2000 कैलोरी खाना खाते थे तो आप अब 1500 कैलोरी खाना खाओगे, ये हो गया आपका पोर्शन कंट्रोल। दूसरा है आप जो एक्टिविटीज करते थे, समझ लीजिए कि आप 5000 स्टेप्स चलते थे, आप अभी तक चलते थे 5000 स्टेप्स, अब आपको एक्टिविटी सरप्लस करनी है, आपने कैलोरी रिड्यूस कर ली पोर्शन में से खाना कम करके, कम मतलब जितनी आपकी जरूरत है आपकी बॉडी को उतना रख के, और
आप एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं 5000 से, आपने समझ लीजिए उसको 7000 स्टेप्स कर लिया, अब 5000 स्टेप चलते जब 7000 स्टेप कर लिया, मतलब आपने आपका पोर्शन कम किया, आपने आपकी एक्टिविटी बढ़ाई, तो क्या हो रहा है, एक तो आप खाने में से कैलोरी कम कर रहे हैं, सेकंड आप एक्टिविटी करके कैलोरीज को रिड्यूस कर रहे हैं। इस कंडीशन में ये सबसे बेस्ट कंडीशन होता है आपके फैट जर्नी जो आपने स्टार्ट की है उसको जाने का। फैट बर्नर जनरली जो लोग बात करते हैं, मैंने उसका एक अलग नाम दिया है, शायद लोग इससे अग्री नहीं करेंगे, बट जितने भी फैट बर्नर्स है ना, उन फैट बर्नर्स को मैं फैट बर्नर नहीं, उनको मैं मनी बर्नर बोलता हूं। सी आपकी बॉडी को, सी फैट बर्नर काम क्या करता है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख के रखा है, फैट बर्नर क्या करता है आपकी बॉडी को, जैसे मैंने दो चीज बताया कि दो चीजों की जरूरत है, पहला पोर्शन कंट्रोल, दूसरा एक्टिविटी राइज करना। फैट बर्नर एग्जैक्ट सेम काम करता है, फैट बर्नर करता है आपका एपेटाइट कंट्रोल करता है, मतलब आपने फैट बर्नर लिया, फैट बर्नर 99% फैट बर्नर अगर आप लोगे ना तो उसमें कैफीन होता है। कैफीन का काम क्या होता है, कैफीन आपकी बॉडी में आपके एक जो एपेटाइट होता है उसको फॉर द टाइम बीइंग उसको कंट्रोल करके रखता है। सेकंड, कैफीन आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि मेरे में अभी और ताकत है, मेरे में अभी और एनर्जी है, तो उस एनर्जी को ध्यान में रखते हुए आप एनर्जी को और एक्सपेंड करते हो, जिसको हम बोलते हैं TDE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, मतलब आपने खाने से खाने पे कंट्रोल किया कैलोरीज का, सेकंड आपने आपकी TDE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ाई, और फैट बर्नर में जो कैफीन है वो आपको 1000-2000 कैलोरी बर्न करने में मदद नहीं करेगी, आप मैक्सिमम 100-150 कैलोरीज बर्न कर पाओगे, 100-150 कैलोरीज के आसपास आपने बर्न कर लिया। यही चीज जो आप फैट बर्नर ले रहे हो वो सेम चीज आप डायरेक्ट कैलोरी कैलकुलेट जो आपने की उसमें पोर्शन कंट्रोल करके आप कर सकते हो। अब पोर्शन कंट्रोल करने के बहुत सारे वे हैं, समझिए जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने के पहले आप एक बड़ा सा बाउल वेजिस का ले लो, या आप बड़ा सा बाउल सैलेड का ले लो। ये क्या करेगा, जो सैलेड्स होते हैं उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होते हैं, आप टोमेटोज ले लो, आप कुकुम्बर ले लो, आप ये आप ब्रोकलीज ले लो, इन सब चीज में क्या होता है, इन सब चीजों में वाइटामिन मिनरल के अलावा वाटर रिटेंशन ज्यादा होता है, तो जब आप ये खाना खाते हैं तो आपका एपेटाइट कंट्रोल हो जाता है, आपको ऐसा लगता है मेरा पेट भर गया है, तो जो आपका मेन फूड रहता है, जो आपको कैलोरीज जितने आपको लेनी है आप उतनी ही कैलोरीज ले पाओगे। समझो कि आपको सुबह में 300 कैलोरीज की जरूरत है, आपने 1800 कैलोरी का प्लान किया है, 6 पार्ट में आपने डिवाइड किया, आपको 300 कैलोरी लेनी है, तो जब आप सैलेड्स ले लोगे, वेजेस ले लोगे, तो उसके बाद जब आप 300 कैलोरी खाना खाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं भूखा हूं, वो 300 कैलोरीज आपके लिए इनफ है, जरूरत आपको 300 कैलोरी की है, उस केस में आपको ऐसा लगेगा कि आई एम डन, मैंने खाना अच्छे से खाया है, आपको क्रेविंग नहीं होगी। जितना ज्यादा आपको एनर्जी कार्ब्स लेने से और फैट लेने से फील होगा ना, उतना आपको कोई भी फैट बर्नर, कोई भी आपको कैफीन प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आपको एनर्जी कहां से मिलती है, आपका फ्यूल क्या है, आपका फ्यूल है कार्ब्स, आपको एक्चुअल फैट की जरूरत है, वो फैट जो आपको एक्टिविटी में आपके एनर्जी को ट्रांसफर करता है। तो अच्छे से आप प्रोटीन तो ले ही रहे हैं जो आपके मसल को रिटेन करेगा, कार्ब्स लीजिए वर्कआउट के पहले, आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, फैट आपके पास ऑलरेडी है। फैट बर्नर में मैक्सिमम जो मैंने अभी तक देखा है, सी आज तक मैं जितने भी मैंने आज तक जितने भी क्लाइंट्स रहे हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, मैं उनको कभी भी फैट बर्नर नहीं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने इसको लेके देखा हुआ है। मैंने अभी जो तीनों चीज लिखी हुई है ना, मैंने कैफीन भी लिखी है, मैंने एफिड्रीन भी लिखी है, मैंने यूहामिन भी लिखी है, ये तीनों चीज आपको फैट बर्न करने में मदद करेगी। कैफीन शायद सबसे ज्यादा मदद करती है, एफिड्रीन भी करती है और यूहामिन भी करती है, लेकिन एफिड्रीन और यूहामिन के साइड इफेक्ट्स भी उतने हैं। अगर हम इससे एक स्टेप और जाते हैं तो उसमें आता है साम्स, जिसको बोलते हैं सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, और इसके अगर आप ऊपर जाते हो तो फिर आते हैं आपके स्टेरॉइड्स, सबसे ऊपर स्टेरॉइड्स जाते हैं जिसके सबसे ज्यादा आपको गंभीर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, साम्स आते हैं उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, फिर आपके पास सारे फैट बर्नर्स आते हैं। फैट बर्नर ऐसा नहीं है कि फैट बर्नर आप लोगे आपको साइड इफेक्ट नहीं होंगे, जिन लोगों को एंजाइटी के इश्यूज हैं, जिनको नींद ना आने की मतलब इंसोमनिया की प्रॉब्लम है, जो स्ट्रेस नहीं झेल पाते, जिनको हार्मोनल इंबैलेंस बहुत है, वुमेन्स की अगर मैं बात करूं तो जो लोग फैट बर्नर लेते हैं उनके पीरियड्स में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। सो फैट बर्नर किसके लिए है, तो फैट बर्नर का यूजलेस
यूजलेस है फैट बर्नर। फैट बर्नर यूज उनके लिए है जिनका बॉडी फैट राउंड अबाउट, अगर हम बात कर रहे हो जिनका बॉडी फैट परसेंटेज 10-15% के बीच में है, जिनका ऑलरेडी बॉडी फैट परसेंट 10-15% के बीच में है और उन्होंने सब कुछ कर लिया है, नाउ दे वांट टू प्रिपेयर फॉर द फोटोशूट, या तो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन पे स्टेज पे उतरने जाने वाले हैं, उनके लिए उनको अगर प्रिपेयर होना है तो वो ये फैट बर्नर लेते हैं। और वो फैट बर्नर का एक तरीका होता है, वो फैट बर्नर आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के लिए लेते हैं, उसके बाद उसकी साइकिल होती है, उस साइकिल को आपको कंप्लीट करना पड़ता है जिससे उसके जो भी साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी में है वो आपकी बॉडी में से फ्लैश आउट हो जाए। तो जो मेन एजेंडा था, जैसे मैंने कहा कि जो भी फैट बर्नर आप मार्केट में देख रहे हैं, मार्केट में फैट बर्नर कल भी बिकते थे, ये वीडियो बना रहा हूँ तब भी अभी मार्केट में फैट बर्नर बिक ही रहे हैं और इसके बाद भी बिकेंगे। मैं जस्ट आपको ये अवेयर करना चाहता हूँ कि आपने आपकी फैट जर्नी, फैट लॉस की जर्नी स्टार्ट की है, इस टाइम पे आपको फैट बर्नर की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और फैट बर्नर की जरूरत 99% लोगों की इसके लिए नहीं है क्योंकि वो लोग फोटोशूट के लिए नहीं उतरने वाले, ना तो वो कॉम्पिटिशन में उतरने वाला है। आपका फैट बर्न होगा आपके पोर्शन कंट्रोल से, आपका फैट बर्न होगा आपके टीडीई एक्सपेंडिचर से, जितना आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसको आप बढ़ाओगे। आप आज 5000 कदम चल रहे हो, कल 7000 चलो, फिर 10000 स्टार्ट करो, इस हिसाब से जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका पोर्शन कंट्रोल होगा, फैट लॉस की जर्नी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। मैंने आज जिस ये एपिसोड में फैट बर्नर की बात की, मैंने लगभग अवेलेबल सारे फैट बर्नर्स को यूज़ किया है, मैंने सारे फैट बर्नर्स यूज़ किए हैं, मैंने साम्स यूज़ किया है, मैंने एक टाइम पे स्टीरोइड्स भी यूज़ किया था जस्ट टू चेक कि मेरी बॉडी पे ये इफेक्ट कितना करता है। टू बी वेरी फ्रेंक, मैं 100% डाइट पे था, मेरा डाइट कंट्रोल सही से था, मैं वीक में 6 दिन HIIT ट्रेनिंग करता था, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करता था, उसके बाद भी मैंने मेरे बॉडी के फैट परसेंटेज को नोट डाउन किया था। आई स्वेयर आप बोल दो कि इनमें से कोई भी चीज आपको 1% से ज्यादा मदद नहीं करती है, और वो भी तब जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज 10-15 के बीच में हो। मैं मेरे बॉडी फैट परसेंटेज को कभी 10% के आसपास नहीं लेता क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। लगभग जितने भी इंडिया में लोग हैं वो 25-30 या 35% के ऊपर उनके बॉडी में रहता है, और उनको सबसे ज्यादा ये रहता है कि यार मैं कितनी जल्दी फैट लॉस की गोली ले लूँ, इट्स वेरी इजी टू सॉलो, फटाफट इसका रिजल्ट आएगा और मैं लीन हो जाऊंगा। सी जितना टाइम आपको ओबेज होने में लगा है, जितना टाइम आपने आपकी बॉडी को खराब करने में लगाया है, उससे कहीं ज्यादा टाइम आपको वापस उस जोन पे आने में लगेगा, और उसके बाद ये जर्नी और हार्ड रहेगी उसको मेंटेन करने के लिए। आप एक जगह पे पहुंच गए, उसके बाद उसको आपको मेंटेन करना है ना थ्रू आउट द लाइफ। आप डाइट तो ले नहीं सकते, थ्रू आउट द डाइट आप फैट बर्नर तो ले नहीं सकते, फैट बर्नर लिया आप शायद नीचे आ भी गए तो उतना बाउंस बैक कर देगा। जैसे मैंने कहा कि इसको वे ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा, आपको वो चीज करेक्ट करनी पड़ेगी आपके खुद के लिए, जिससे आपको पता चले कि मैं किस तरह से पोर्शन कंट्रोल कर रहा हूं। 6 meals a डे लेने वाले भी पोर्शन कंट्रोल करते हैं, 8 meals a डे लेने वाले भी पोर्शन कंट्रोल करते हैं, और जो सिर्फ दिन में 3 बार खाना खाते हैं वो लोग भी पोर्शन कंट्रोल करते हैं। जो लोग वर्कआउट घर पे करते हैं उनका भी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ता है, और जो जिम में 6 बार जाते हैं उनका भी TDEE बढ़ता है। ये आपको फिगर आउट करना है कि आपको शॉर्ट टर्म गोल पे जाना है फैट बर्नर लेके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये आपका सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है। मैं यहाँ पे, मेरे लिए बहुत ईजी है, मुझे दो ऑर्गेनाइजर्स आएंगे, मुझे कहेंगे सर आप ये फैट बर्नर का ऐड करो, दे विल पे मी एंड आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कि मैंने चलो ये दो फैट बर्नर का प्रमोशन कर लिया एंड दे आर पेइंग मी। स्टिल मेरे पास ऑफर्स आते हैं, बट मुझे पता है कि फैट बर्नर्स आपकी बॉडी के लिए, आपके ऑर्गन्स के लिए कितना खतरनाक है। आप जो नेचुरल लिखा हुआ आता है ना, जो लोग बोलते हैं सर नेचुरल फैट बर्नर कैफीन है, तो कैफीन भी एक लिमिट तक आपको सही लगता है। अगर आप कॉफी ले रहे हैं ना, अगर आप दिन में 1 बार कॉफी लेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप दिन में 4-5 बार कॉफी लेने लगेंगे ना, देन आपको ये पता चलेगा कि आपको इंसोमिनिया के इश्यू स्टार्ट हो गए, वो आप झेल नहीं सकते। तो मैंने जैसे कहा कि जिनको एंजाइटी का इशू है, जिनको स्ट्रेस का इशू है, जिनको हार्मोनल इंबैलेंस का इशू है, लोग आजकल क्या है, बिना रिसर्च के खुद की बॉडी को ये ज्यादा रिसर्च करते हैं कि बाहर कौन सी चीज अच्छे में मिल रही है, कौन सी महंगी मिल रही है, जो चीज महंगी है वो ज्यादा इफेक्ट करेगी। आप बाउल ऑफ सलाद लो ना, आप बाउल ऑफ वेजीज लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मिनरल्स हैं, उसमें वाटर कंटेंट है, उसमें विटामिंस हैं,
ये चीजें आपको बेहतर रिजल्ट देंगी आपके फैट लॉस की जर्नी में। सो आई होप ये जो पूरा वीडियो है आपको पसंद आया होगा। फैट बर्नर मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ, द स्टेज जहाँ पे हमने फैट लॉस का जर्नी स्टार्ट किया है। मे बी अगर कोई हो जो जर्नी में बहुत आगे जाना चाहता हो, जो स्टेज पे कम्पीट करना चाहता हो, जो फोटोशूट के लिए जाना चाहता हो, उनके लिए बात अलग है, लेकिन 99% लोगों के लिए फैट बर्नर आई नॉट रिकमेंडेड। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा। एपिसोड नंबर 6 में हम इसी तरह की और अच्छी और रोचक जानकारी के साथ हम आपके साथ फिर से मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं हमेशा भूल जाता हूँ और आज भी भूल गया, कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ढेर सारा प्यार और मोहब्बत देते रहिए। थैंक यू।